Hello students, in this video we will continue further with electricity. In the previous video we had looked at what is drift velocity. हम लोगों ने drift velocity को electric field के साथ relate किया था. फिर हम लोगों ने ये भी कहा था कि drift velocity and relaxation time में क्या relationship है. That is also what we had derived. Okay. Now in this video we will look at something called as current density in a conductor. करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर. ओके, नाउ ये करंट डेंसिटी हमें क्यों डिफाइन करनी पड़ रही है? द रीजन इज सिंपल. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो व्हेन यू नो दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टू वन पर्टिकुलर साइड. ओके, मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में व्हाट आई कैन से इज इलेक्ट्रॉन्स और द चार्जेस आर मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ना यहाँ पे कोई रैंडम डायरेक्शन नहीं है, ये जो चार्जेस है ये चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब ये जो चार्जेस है जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते, तो इन दिस केस आई कैन से दैट देयर इज करंट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर. करंट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर. ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट डेवलप हुआ है. ना ये जो करंट है ये डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. इस पोटेंशियल डिफरेंस ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हुई, जिसके वजह से करंट वॉज डेवलप्ड. सो बेसिकली आई कैन से दैट करंट इज डेवलप्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. करेक्ट. ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट आपका जो करंट होता है दिस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इवन दो हम लोग ये कहते हैं कि इवन दो वी से दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी. दिस इज अ न्यू वेक्टर. नाउ ये जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज बेसिकली द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, एंड इसका डायरेक्शन होता है नॉर्मल डायरेक्शन टू द एरिया. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो आई इज बेसिकली द करंट थ्रू द कंडक्टर, एस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग एरिया, एंड एन इज बेसिकली द नॉर्मल टू द दिस इज नॉर्मल वेक्टर. ओके, नाउ नॉर्मली ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है, ये नॉर्मल वेक्टर कैसे डिसाइड किया जाता है? इट इज वेरी सिंपल. अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है नॉर्मल वेक्टर का, इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज. The direction of negative charge. Okay, so let me give you a very simple example. Let's say if this is your conductor. Okay, ये conductor का मैं छू, ये cross section. This is the cross section area of the conductor. Okay, now if the electrons are moving, मान लो ये electrons है, if the electrons are moving towards this side, okay. तो आपका करंट जो है, हम लोग ये कहते हैं ना करंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज. आपके नेगेटिव चार्जेस ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि जो हमारा करंट है वो करंट ये डायरेक्शन में है. ओके, नाउ करंट अगर जो आपका ये डायरेक्शन में है, तो ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर एन है, इट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. लेट्स से इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज एस, तो आपका ये जो जे है
इसका मैग्नीट्यूड, करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू आई बाय एस, वेयर आई इज द करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ओके। नाउ यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको इस फॉर्म में ना कई बार आप मिस्टेक कर जाओगे। जब आप इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को यूज करोगे, यू माइट मेक मिस्टेक्स। सो आइडियली दिस फॉर्मूला इज रिटन दिस वे, करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू जे डॉट एस, वेर जे इज योर करंट डेंसिटी, एस इज योर एरिया वेक्टर, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर। सो करंट जो होता है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। ओके, सो से फॉर एग्जांपल, ओके, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह का है। लेट्स से योर करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो आपका ये करंट, तो आपका ये जो वेक्टर जे है, इट इज इन द सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका जे वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा। आपका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया वेक्टर है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। सो परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, सो दिस विल बी इक्वल टू एस। सो इफ दिस एंगल इज थीटा इन दिस केस, योर करंट इज इक्वल टू जे इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है हमेशा कि ये जो करंट डेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी वेक्टर जो है, ये करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो जो आपका करंट का डायरेक्शन होता है, वो ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। ओके, एंड करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो आई होप दिस इज समथिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड अहेड नाउ। ओके, नाउ यहां पे हम लोग, व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, वी आर अज्यूमिंग दैट कि ये जो सारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, सारे क्रॉस सेक्शन एरिया पे आपकी करंट डेंसिटी सेम है, द वैल्यू ऑफ जे इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस एरिया। ओके, सो यू कैन ओनली यूज दिस इफ जे इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट, एंड एवरी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया। ओके, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रू हो, दिस शुड ऑलवेज बी ट्रू। समटाइम्स क्या होगा, लेट्स से इफ दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, नाउ इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे अलग अलग पॉइंट्स पे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी करंट डेंसिटी वुड बी समथिंग एल्स। मतलब यहाँ पे आपकी करंट डेंसिटी ऐसी है, यहाँ पे आपकी करंट डेंसिटी ऐसी है, यहाँ पे आपकी करंट डेंसिटी ऐसी है। सो दिस इज J1, दिस इज J2, दिस इज J3। तो योर करंट डेंसिटी इज नॉट सेम, सो आप ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करनी होती है। तो आप यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसिडर करोगे, लेट्स से ये एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में डी एस, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। सो इन दिस केस योर करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ J1 डॉट ds। सो यू विल यूज दिस इफ जे इज वेरिएबल। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर जो आपकी करंट डेंसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो सीधा करंट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर दो। बट इफ करंट डेंसिटी इज वेरिंग एट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स, तो आपको इंटीग्रेशन वाली टेक्निक ये यूज करनी है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो रिलेशनशिप होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए करंट जनरेट हो रहा है, एंड करंट जनरेट हो रहा है इसलिए करंट डेंसिटी का कंसेप्ट आ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो लेट्स कंसिडर अ कंडक्टर जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके,
Now let's say ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज एल. ओके एंड वी आर चूजिंग एल सच दैट, या फिर ठीक है हम लोग ये इसको एल मानते हैं. ओके अब एक एक टर्म डिफाइन करता है. लेट्स डिफाइन स्मॉल एन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके सो वी आर कंसिडरिंग द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर. दैट से ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है. दिस इज एस, दैट इज बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया. एरिया ओके. नाउ यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. सो बेसिकली आपको बस ये देखना है कि इन आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कवर कर चुके होंगे तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स तो कवर कर ही चुके होंगे. ओके सो आई से द टाइम टेकन ओके फॉर द इलेक्ट्रॉन्स to cross the area S is equal to, ये इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी इक्वल टू द लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी. ओके लेट्स से दिस टाइम इज इक्वल टू टी. ओके नाउ इस टाइम टी में यहां से इतने सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ चार्ज crossing the given area, what is the amount of charge that is crossing the given area, this is equal to एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है that is E multiplied by N, where capital N is total number of electrons in this region. ये जो इतना region है इस region में let's say N is total number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके नाउ अब हम लोग एक एक चीज लिखते जाता है. नाउ हाउ कैन यू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन. सी आपको एन पता है स्मॉल एन, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से अगर जो मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट. इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया इज एस, द लेंथ इज एल, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एस इनटू एल. सो देयरफॉर टोटल चार्ज वुड बी इक्वल टू ई, एन के जगह पे एन इनटू एस इनटू एल लिख सकता हूं मैं. नाउ व्हाट इज द करंट. अब हाउ डू यू फाइंड आउट द करंट. करंट इज बेसिकली द चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम. सो करंट थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम. सो चार्ज इज इक्वल टू ई एन एस एल डिवाइडेड बाय टी इज एल बाय वी डी. एल और एल कट हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट करंट आई. तो नाउ आई कैन राइट दिस एज ये एल और एल कट हो जाएगा. एस को यहां पे देखे जाओ तो ये वी डी ऊपर चला जाएगा. ई वी डी इंटू एन दिस इज इक्वल टू आई बाय एस. बट आई बाय एस आपका करंट कौन से डायरेक्शन में. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो आपका करंट ये डायरेक्शन में. एंड क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर भी आप यही इसी डायरेक्शन में दोगे. ये दोनों करंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया सेम डायरेक्शन में है ना. सो आई बाय एस इज नथिंग बट योर करंट डेंसिटी जो हम लोगों ने डिराइव की थी. यू कैन सी दैट आई बाय एस इज नथिंग बट जे करंट डेंसिटी. सो व्हाट आई नाउ गेट इज दिस इज नथिंग बट जे. सो जे इज इक्वल टू ई इंटू एन इंटू वी डी. ठीक है
दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर, हाँ ये चीज जो है ये आपको याद रखनी है. ओके, एंड टोटल करंट आई इट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू जे, सो ई एन वी डी इंटू एस. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट दैट सी, आपको ना जेई या नीट में कभी भी डेरिवेशंस नहीं पूछे जाएंगे, बट किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मूथली आपके हाथों से वो निकलना चाहिए. मतलब यू शुड बी एबल टू डिराइव इट बाय योर सेल्फ, या मान लो आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो डिराइव करके, तो वो चीज जब तक, मतलब अगर जो आप वो चीज कर पाते हो स्मूथली एफर्टलेसली, अगर जो आप कर पाते हो तभी आप कह सकते हो कि ये कंसेप्ट आपको ढंग से समझा हुआ है, ताकि इसमें जब कभी वो कोई भी वेरिएशन लेके आए तो एटलीस्ट यू नो कि अगर जो आपको ये डेरिवेशन पता है तो इसमें अगर जो कुछ भी वेरिएशन आता है तो आप उन वेरिएशन को हैंडल कर पाओगे, यू वुड बी एबल टू हैंडल दोज वेरिएशन. ओके, सो डोंट जस्ट फोकस ऑन रिमेंबरिंग फॉर्मूलेज, मतलब बस फॉर्मूलेज याद रखने जाओगे तो इवेंचुअली इन चीजों को भूल जाओगे. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला आता कैसा है, डेरिवेशन खुद से निकालने की ये कोशिश करो. ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम. करंट डेंसिटी अभी हमने देखा था इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई इंटू वी डी. अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम में ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था, वी डी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ, दिस वॉज योर रिलैक्सेशन टाइम. सो करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम में अब क्या रिलेशनशिप होगी, सो आपको बस वी डी के जगह पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो सब्स्टिट्यूट करना है. सो जे बिकम्स इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी विल बी ई बाय एम इंटू टाउ. सो जे बिकम्स इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ. ओके, नाउ इट टेल्स यू दैट आपका जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, विच मीन्स द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, एंड जितनी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी आपका जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू जे इंटू एस. सो एन ई स्क्वायर ई एम इंटू एस इंटू योर रिलैक्सेशन टाइम. सो जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा उतना कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा दैट करंट वुड बी मोर. ओके ओके, नाउ वी विल ट्राई टू यूजिंग दीज कंसेप्ट विल ट्राई टू डिराइव समथिंग कॉल्ड एज ओम्स लॉ. आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, ओम्स लॉ क्या कहता है, 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, दिस इज योर ओम्स लॉ. तो लेट्स ट्राई टू डिराइव द ओम्स लॉ. ओके, हाँ, ये ओम्स लॉ को डिराइव करने के लिए अब हम लोगों ने जो करंट डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इन कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करता है. ओके, नाउ समहाउ आपको पोटेंशियल डिफरेंस देके आना है एंड आपको करंट देके आना है. नाउ वी नो दैट करंट डिपेंड करता है करंट डेंसिटी पे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे. सो सबसे पहले लेट मी राइट डाउन करंट डेंसिटी एज एन ई वी डी. ओके, सो आई कैन रिलेट जे विथ आई. सिमिलरली अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को देके आना होगा, सी फिर आगे जाके मैं ये दो रिलेशनशिप्स यूज कर सकता हूं, आई इज इक्वल टू जे इंटू एस जे डॉट एस, एंड सेकेंड रिलेशनशिप जो मैं यूज करूंगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो पहले तो हमें जे, सो फॉर करंट वी नीड जे एंड जे हमारे पास आ चुका है, बट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे देखे होगे, तो आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन किया था, वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई. इस म्यू को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी, एंड ई वॉज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके,
So instead of VD, let me put this over here. So J becomes equal to N into E. VD can be written as mu into E. Okay. Now this becomes equal to J is equal to N into E into mu into यहाँ पे electric field E. Now ये जो तीन terms है, इन तीन टर्म्स की जगह पे सो एन इज बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. दिस डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल, राइट? मटेरियल. अच्छा, म्यू जो है ये आपको अगर जो याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने म्यू को डिफाइन किया था. म्यू को हमने इस तरह से डिफाइन किया था, म्यू वॉज डिफाइंड एज ई बाय के. नाउ के जो है हमने कहा था कि के डिपेंड्स अपॉन, हमने कहीं पे तो लिखा था के, हाँ ये जो के है के डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द मटेरियल. ओके, तो नाउ आई कैन से म्यू ये जो मोबिलिटी है, दिस मोबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. So, ये जो दो फैक्टर्स है, मतलब ये जो ये पूरा जो टर्म है इसको अब मैं एक नए टर्म के साथ रिप्लेस करता हूं, एंड दैट न्यू टर्म इज कॉल्ड एज जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई. द सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ये जो कंडक्टिविटी होती है, दिस कंडक्टिविटी टेल्स यू कि मटेरियल कितने आराम से करंट को फ्लो होने देगा. ओके, सो आई विल से इफ द कंडक्टिविटी इज हाई, इफ सिग्मा इज हाई, देन द करंट वुड बी हाई. ओके, एंड अपोजिशन टू करंट विल बी लेस. अपोजिशन टू करंट विल बी लेस. आपने देखा है कि सिग्मा इज नथिंग बट, ये आपको याद रखना है, एन इंटू ई इंटू म्यू, वेर एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. प्लीज डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स. ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज नथिंग बट द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड ये जो फैक्टर है इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. कंडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? ओके, नाउ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, देर आर टू टर्म्स दैट यू कैन यूज. सो रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज टीविटी, दिस इज रो, दिस इज डिफाइंड एज वन बाय कंडक्टिविटी. नाउ जैसे हमने कहा था कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, उसी तरह से रेजिस्टिविटी भी जो है, दैट रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर. सो नाउ आई कैन रीराइट दिस, इस चीज को मैं रीराइट कर सकता हूं. आई कैन रीराइट दिस एज जे इज इक्वल टू वन बाय रो इंटू ई. ये सारे रिलेशंस जो है, ऑल दीज रिलेशंस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप वेक्टर टर्म्स में इसको इस तरह से लिख सकते हो, जे इज इक्वल टू वन बाय रो इंटू ई. ओके, अब सिंपल सा एक केस देता है. ओके, सिंपल केस ये ऐसा होगा कि लेट से यू हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसके अक्रॉस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, लेट से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज बी. Let's say the length of the conductor is L. It is a uniform conductor. हर जगह पे आपका क्रॉस सेक्शन सेम है. सो ये प्लस, ये माइनस. तो आपका करंट जो है वो ये डायरेक्शन में होगा. एंड लेट्स से द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज S. ओके, सो आप एक एक रिलेशनशिप यूज करते हैं. हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ. सो आई कैन राइट दिस एज 1 by rho. Electric field can be written as potential difference V divided by length L. And J is your current density. Current density can be written as I divided by cross section area S. Okay. अब इसको थोड़ा सा rewrite करता है.
So I'll write V as rho L by S into I. Now you can see that ये जो term है, now this depends upon rho, ये जो resistivity है depends upon the nature of the material and temperature. And length and S, they depend upon the dimensions of the conductor. ये conductor के dimensions पे depend करता है. So, at a given temperature and for a given material and for a given conductor, you can assume this as a constant, which means अगर जो आप conductor को constant रखते हो, आप temperature constant रखते हो, तो I can say that this term would become constant, so this will become V is directly proportional to I. And ये जो constant है, this constant is called as resistance R. And this resistance is equal to rho L divided by cross section area S. So V becomes equal to I into R. This becomes your Ohm's law. Okay. So now if you have to plot a graph, आपका जो graph होगा वो graph इस तरह से होगा. This is your potential difference V. Let's see, your current is I. Okay. Now आप जैसे जैसे potential difference increase करोगे, आपका current जो है वो increase होता जाएगा. And ये जो graph का slope होगा, slope will be equal to 1 by R. Okay. It's like this, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, I becomes equal to 1 by R times V, I आपका Y है, potential difference is X, तो 1 by R will be equal to M, so your slope becomes equal to 1 by R, वही अगर जो V यहाँ पे और I यहाँ पे, तो slope will be equal to R. Now ideally सारे conductors जो है वो Ohm's law follow नहीं करते, okay? कुछ ही कंडक्टर्स जो है वो ओम्स लॉ फॉलो करता है. तो जो कंडक्टर्स ये ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उन कंडक्टर्स को कहा जाता है ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर, ठीक है ना. इवन दो वी से दैट कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बट क्या होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. आपको पता ही है किसी भी वायर से या 10th स्टैंडर्ड किसी भी वायर से अगर जब आप करंट पास करो तो वायर गर्म हो जाती है ना. वायर गर्म हो जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है दैट रेजिस्टिविटी वुड इंक्रीज. नाउ अगर जो आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो आई कैन से दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जो रेजिस्टिविटी है दिस रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर. If you increase the temperature, resistivity will increase. Resistivity increase होगा तो आपका resistance जो है, even that resistance would increase. ये आपका resistance है. So क्या होता है कि आप जैसे जैसे potential difference increase करते हो आपका current increase होता जाता है. Current increase होता जाता है आपकी wire गर्म होती जाती है. Wire गर्म होगी तो resistance increase होगा. Resistance increase होगा तो what will happen to your current? Resistance क्या होता है? It is opposition to the current. I can define resistance as opposition to the current. तो अगर जो आपका resistance increase होगा तो अपने आप से current के लिए opposition increase होगा. तो current के लिए opposition increase होगा तो अपने आप से आपका current decrease होगा. So eventually ये जो graph है it will not remain a straight line. What will happen is as you increase potential difference, as your current increases, your resistance increases, and as your resistance increases, your current decreases. So this is how the actual graph is. Okay, ये आपका ideal graph है. This is your ideal graph. And this is your actual graph. एंड ये जो आपका एक्चुअल ग्राफ है, ये एक्चुअल ग्राफ क्यों हो रहा है? ये ग्राफ ऐसा बेंड क्यों हो रहा है? करंट रिड्यूस क्यों हो रहा है? करंट रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट. ओके,
फाइन, जो कंडक्टर्स ये ओम्स लॉ को या जो मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते या जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते उनको कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर, एंड जो कंडक्टर्स ये ओम्स लॉ फॉलो करते हैं दोज आर कॉल्ड एज योर ओमिक कंडक्टर्स। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मोबिलिटी है, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अपोजिशन इंक्रीज होता है, रैंडम मोशन इंक्रीज होता है, तो मोबिलिटी जो है वो अपने आप से डिक्रीज हो जाती है। सो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिमिलरली कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर रेजिस्टिविटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, हम लोगों ने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है रेजिस्टिविटी इनटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय एस, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, जैसे रेजिस्टेंस होता है वन फाइनल थिंग, सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडक्टेंस, एंड कंडक्टेंस इज सिंपली वन बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज वन बाय रेजिस्टेंस। फाइन, सो यहां पे ये जो सेशन है, ये लेक्चर जो है वो हम लोग खत्म करते हैं, एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट ऑफ इट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, एंड फिर बाकी चीजें, फिर अब प्रॉपर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।